2 दिन पहले घुटने में दर्द था? हाँ यहाँ पे दर्द था सर, दर्द था यहाँ पे। और अब? अब तो 99% ठीक है पहले। जोर से बोल थोड़ा सा। काफ़ी अच्छा है पहले से तो, 99% फायदा भी। मतलब अभी थोड़ा सा दर्द बच रहा है, हल्का फुल्का है। कब आया था मेरे पास? 2 दिन हो गए सर, आज तीसरा दिन। तीसरा दिन है तो अब भागने में तो दिक्कत नहीं हो रही? पहले दिक्कत हो रही थी, पहले थी। अच्छा, और कहाँ पे दर्द हो रहा था? पहले यहाँ पे दर्द हो रहा था इस साइड है। हाँ जी। और चलते वक्त बिल्कुल करंट समा रहा होगा हड्डी, हर हड्डी में। ठीक है, अब क्या क्या इलाज करा? थोड़ा सा छोटे से एग्जांपल बता दे, क्या करा था तूने? मैंने क्या करवाया था, फिर मैं लंबा डिटेल में बता दूंगा कि घुटने के दर्द का कैसे इलाज करना है। किसी भी चीज की तैयारी करो। मैंने क्या करवाया था? आपने बर्फ के लिए बोला था। हाँ, और पानी का सेक बोला था। हाँ, डाइट वगैरह बताई थी। और एक्सरसाइज वगैरह कराई भी बताई थी, घर के लिए भी बताया। सबसे फायदा मिला? सबसे। ठीक है, तो अब डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या मैंने करवाया था। सबसे पहले रनिंग पे थोड़ा सा कम ध्यान देना पड़ेगा। जॉइंट्स ऐसी चीज है जहाँ हम रनिंग करते हैं, क्या होता है, जब ये रनिंग कर रहा था उस टाइम थोड़ा सा पीछे हुआ, जब ये रनिंग कर रहा था तो क्या हो रहा था, जब हमारे ग्राउंड में पैर टिक रहे तो वाइब्रेशन आ रही थी। वाइब्रेशन आने की वजह से जो हमारे जॉइंट में दर्द बन रहा था, टाइटनेस आ रही थी, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी। एक तो ध्यान दो कि आप मिट्टी वाले एरिया में रनिंग करना स्टार्ट कर दो, और दूसरी चीज़ अगर रोड पे भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो बहुत ही स्मूथ पैर रखो, ऐसे नहीं पट पट मार रहे हो, ठीक है, बहुत आराम से पैर रखो, जिसकी वजह से पैरों में झटका ना आए। तो आपकी क्या होगा, आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रनिंग कर सकते हो। ये करवाया था, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही होगी। उसके बाद हमने क्या करा, ज़्यादातर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पर ध्यान दिया। ये चीज़ें क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल में समझाता हूँ, आपको एक क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास दो लकड़ी है, ठीक है, मान लो ये वाली मोटी वाली है और ये पतली वाली है, अगर मैं इसे थोड़ा सा प्रेशर पे दबाऊंगा टूट जाएगी उसी टाइम, और ये मैं इसे थोड़ी सी उसी प्रेशर में दबाऊंगा तो नहीं टूटेगी, और थोड़ा सा और प्रेशर लगाऊंगा जब टूटेगी। तो कहने का मतलब ये है, पैर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप उस सहन को, उस चीज़ को सहन कर लो जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जिस रनिंग में आप जोर लगा रहे हो, जो आपके पास प्रेशर पड़ रहा है वो आप सहन कर लो। तो उस चीज़ के लिए जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी वो क्या क्या है, सबसे पहले हमारी चेयर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बन के देखा कैसे बनवाया था। हाँ, थोड़ा और डाउन हो। हाँ, पैर हल्का सा आगे खोल, शाबाश। हमने अभी इसका सहारा ले रहे हैं, वरना हम जो है उधर करवा रहे थे, तो आप वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। आप दीवार का सहारा ले रहे हैं, आराम से पूरा कमर इस तरीके से लगा ले, और बिल्कुल ध्यान रखना कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। 10-10 सेकेंड के खड़े हो जाओ, 10-10 सेकेंड के कम से कम 5 से 6 या 10 रैप लगाओ, 10-10 सेकेंड के, 20-25-30 1-1 मिनट के नहीं लगाने, 10-10 सेकेंड के लगाने। इससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, ठीक है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज क्या थी, हमारी स्क्वाट थी, थोड़ी सी लेग ओपन की। अब इस ये यहाँ पे थोड़ा सा ना वो होगा, आप स्क्वाट लगाना है, क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या था कि लोग कहेंगे कि सीधा वाला क्यों नहीं कर सकते, सीधे वाले से क्या होगा, हमारी जो आगे की पोर्शन है सिर्फ इस पर फर्क पड़ता है। अब इसके था साइड में दर्द, जिसका जिस साइड में दर्द है, जैसे आपके आउटर में दर्द है तो आपको लेग ओपन करके इस तरीके से स्क्वाट लगाने हैं, आपके बिल्कुल सामने दर्द है तो आपको सामने वाले लगाने हैं, आपको इनर में दर्द है तो आपको इनर वाली स्क्वाट लगानी है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारी स्क्वाट। अब हमारी थी दूसरी लेग ओपन करके ये वाला पूरा स्ट्रेच करने वाला, ठीक है, हाँ इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, आपको पूरी नी पे जो है प्रेशर पड़ेगा आपका, चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, अच्छे से स्ट्रेंथ बनेगी। आपको इसका क्या क्या करना है, 10-10 कम से कम 1 लेग से 10 साइड करो, 10, 1, 2 ऐसे करके आपको 20 लगाने हैं। और हाँ, ध्यान रखना एकदम ऐसा नहीं करना कि 20-20, 25-25 लगा रहे हो, धीरे धीरे करके रैप लगाओ, जैसे 10 बार कर लिया, फिर रेस्ट करा, फिर 10 बार कर लिया, ऐसे कराया, इससे फायदा मिला। हमारी दूसरी एक्सरसाइज क्या आती है, चौथी एक्सरसाइज क्या आती है, हमें लेग बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट ओपन कर लेना है, और एक ही लेग से कंटिन्यू लंजिंग करना है, और फिर दूसरी लेग पे, ठीक है। और इसी में ही एक और थी हमारी स्क्वेट, इसके अंदर ही ऐसे ये पूरा लंजिंग करने वाला, अप एंड डाउन करके दिखा ऐसे, इसी के अंदर हमारी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमारी थी घर पे कैसे रहना है। ये तो हमारी एक्सरसाइज होगी, ऐसी एक्सरसाइज होगी जो कुछ टाइम तक हम कर सकते हैं। अब मेन बात होता है पूरा रूटीन आपको कैसे हैंडल करना है। अब ठंड चल रही है तो ठंड में रात के समय आप बर्फ़ का सेक, मतलब बर्फ़ ना लगाए, बर्फ़ ले आओ, या आपके पास आइस क्यूब है, कैसे भी है, जो भी कुछ है, आइस पैक है, तो आप क्या करो, सुबह के टाइम 8-12 बजे के आसपास आप जो है घुटने पर अच्छे से सेक करो, उसको लगा के रखो, अच्छे से पूरा गर्म कर लो, जला लो अपने पैर को, ठीक है, बर्फ़ गर्म होती है, जलाना बोलते हैं उसे, ठंडी नहीं होती बर्फ़ कभी, तो पैर को पूरा अच्छे से सेक कर लो। जब बिल्कुल चीज मचने लगे, जब थोड़ा सा आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लिया, ठीक है, जब चेंज कर सकते हो। और शाम के समय रात के 7 या 8 बजे के आसपास खाना खाने से पहले बिल्कुल गर्म पानी करके आपको क्या करना है, पट्टी बांध लेनी है यहाँ पे, या कोई भी कपड़ा बांध लेना है, या टी शर्ट अपनी कोई भी बांध लेना है, और गर्म पानी को बाल्टी में पैर रख के और गर्म पानी इस पर डालते रहना है। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, सेक होगा। अब तीसरी चीज़ डाइट था, घी का सेवन करो, ठीक है, जो आपका देसी घी है, डब्बे वाला नहीं, देसी घी का सेवन करो,
तेल से मसाज करो, डाइट में जितनी भी हरी सब्जी है उसका यूज़ करो, अंडे जो नॉन वेज खाते हैं, अंडे हो गया, चिकन हो गया, इनका यूज़ कर सकते हो। और नॉन वेज में एक चीज़ और आती है जो पैर होते हैं ना, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो चिकन खाते हो अच्छे से समझ जाएंगे, जो पैर होते हैं उसका जो ऑयल होता है जो पानी से उसे पीते हैं वो पियो, ठीक है, वो आपकी जॉइंट को बहुत अच्छे से रिपेयर कर देगा। जो नॉन वेज है वो अच्छे से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो इनका सेवन करो, घुटना 100% 2 या 3 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएगा, थोड़ी बहुत टाइटनेस बचेगी। उसका इलाज यही है कि आप हल्के फुल्के जब रनिंग स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो भी खुल जाएगा, पर एक दिन में नहीं जाएगा ये मत सोचना, एक दिन में जाएगा, पर हाँ एक दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, 50% 40% तो आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, घुटने के लिए यही थी और कुछ नहीं है, आप कुछ करो मत, बस इतना ही करो, गारंटी के साथ रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।